हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. दिस इज 10th मार्च 2022. लेट्स लुक इनटू द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडेज न्यूज़ फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन. द फर्स्ट इज स्लीनेक्स. स्लीनेक्स मीन्स इट इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, दैट इज मैरिटाइम एक्सरसाइज इन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया. स्लीनेक्स स्टैंड्स फॉर SL मीन्स श्रीलंका, IN मीन्स इंडिया, EX मीन्स एक्सरसाइज. ये 9th एडिशन है इस एक्सरसाइज का. और बायलैटरल मीन्स दो कंट्रीज़ के बीच में होने वाली, ट्राईलैटरल मीन्स तीन कंट्रीज़ के बीच में, फिर चार कंट्रीज़ के बीच में होने वाली उसको क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज बोलते हैं. तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, देन एयर एक्सरसाइज भी होती है एयरफोर्स के बीच में. ये सब एक्सरसाइजेस क्यों होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए. और सॉफ्ट पावर भी इसको बोला जाता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए. फिर इस एक्सरसाइज का एम क्या है? टू एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज करने के लिए, और प्रोसीजर्स फॉर मल्टी फैसेटेड मैरिटाइम ऑपरेशन बिटवीन बोथ नेवीज. फॉर देन कुछ अदर एक्सरसाइजेस भी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वो कौन सी है? मित्र शक्ति इज देयर, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. देन दोस्ती दोस्ती एक है, वो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है. उसमें कोस्ट गार्ड इंडिया, मतलब इंडिया की कोस्ट गार्ड है, और मालदीव्स है और श्रीलंका है, तीन कंट्रीज, इसलिए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. ये किसने इम्प्लीमेंट किया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ये किसने इम्प्लीमेंट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में इस पर MCQ बना देते हो. और इम्प्लीमेंटेड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. इसके इसको बदल देंगे और कुछ अलग डाल देंगे और MCQ को आपको फंसा देंगे, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना. नेक्स्ट, इस स्कीम का फोकस क्या है? प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स वाइल क्रिएटिंग लोकल कम्युनिटी कैडर्स फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइजेस. बस एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अच्छे से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को कर्जा वो सब करने के लिए एक मदद मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, लोगों को ट्रेनिंग मिले बिजनेस मैनेजमेंट, और सॉफ्ट स्किल का क्रिएशन भी हो, देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा. और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अलाहाबाद इज़ द टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर फॉर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. देन नेक्स्ट करंट अफेयर इज द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स इन रिलेशन टू द डिजिटल मीडिया. अभी कल भी और आज भी न्यूज़ में है कि ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस को अप्रोच किया है और ऑल स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट्स को बता दिया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट एन अवेयरनेस ड्राइव फॉर सेंसिटाइजिंग देयर ऑफिशियल्स. मतलब ये डिजिटल मीडिया पे जो भी कुछ भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, फिल्म है, यूट्यूब के वीडियोज़ है, इनको सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीड ऑफ द आवर है. और कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड्स इन रिलेशन, ये सब लोगों के सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, जो भी यूजर्स है, यूथ है इंडिया का, इनके लिए ये सेफ गार्ड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सब स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज को कहा है. अब कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है कि मतलब कुछ वायलेंट चीज़ें या फिर कुछ बुरा दिखाना वीडियोस में, जिसके जिसका मतलब बच्चों के मन पर असर हो सकता है, ऐसा फिर यूथ पे असर हो सकता है कुछ, फिर वायलेंस क्रिएट करने में कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है कुछ वीडियोस से, तो ये सब और अडल्ट कंटेंट देना, ये सब कोड ऑफ एथिक्स इसको रेगुलेट करता है. कोड ऑफ एथिक्स मतलब एक इंसान कैसे विचार करता है, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तो एथिक्स बस ये सब इसी से रिलेटेड होता है. देन ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स टू 2021, ये जो पिछले साल जो ये IT एक्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 फरवरी 2021 को इसको नोटिफाई किया था,
ये इसी डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स से बारे में रिलेट करता है। अब डिजिटल मीडिया में सब नेटफ्लिक्स, ट्विटर, अमेज़ॉन, ये सब और दो टॉप प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब सबको जो कुछ भी लोगों को कनेक्ट करता है, इसको सबको रेगुलेट करने वाला है ये सब। एंड ये रूल के क्या प्रोवाइड करता है, एक कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड करता है किसको, पब्लिशर्स को और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। ये एक थ्री टीयर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी प्रोवाइड करता है जो कि सेल्फ रेगुलेट करता है पब्लिशर्स को फर्स्ट लेवल पे, और बाद में सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म एक प्रोवाइड करता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक प्रोसीजर्स भी प्रोवाइड करता है टू फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैव टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया इसमें, एंड एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रखा है जो कि 24/7 इन एजेंसीज के कॉन्टैक्ट में रहेगा और उनको मदद करेगा। देन एक ग्रेवांस ऑफिसर है जो कि 24/7 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अपना मदद हेल्प करेगा टू फॉलो दिस गाइडलाइंस। देन नेक्स्ट करंट अफेयर इज जाइंट लेदर बैक टर्टल। ये टर्टल इतना बड़ा है कि इसको, मतलब अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ में था कि इसको उठाने के लिए जेसीबी लगा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में क्योंकि ये एक बहुत यूनिक स्पीशीज़ है। ये दुनिया में सबसे बड़ा पाया जाने वाला सबसे बड़ा टर्टल है और इसको शेड्यूल 1 में लिस्टेड किया है किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत यूपीएससी प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि पिछले साल ही 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि मतलब शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के मतलब कुछ पूछा था, इसमें कुछ 6 शेड्यूल्स हैं। तो अगर शेड्यूल 1 में किसी एनिमल को रखा जाता है तो उसको हाईएस्ट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब अगर आपको याद होगा, आपने देखा था पिछले कुछ वीडियोस में, तो वो राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में पाया जाता है, तो और उसको हाईएस्ट, मतलब वो बहुत कम रह चुके हैं दुनिया में, तो इसलिए उसको शेड्यूल 1 में हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देन शेड्यूल 2 है, मतलब उसमें थोड़ा कम सिक्योरिटी। देन शेड्यूल 3 इज देयर, उसमें कम सिक्योरिटी। शेड्यूल 5 और 6 में कुछ प्लांट्स वगैरह सब कुछ रखा जाता है जिनको कल्टिवेट करने के लाइसेंस वगैरह मिलते हैं। तब ये जाइंट लेदर बैक टर्टल की कुछ 7 प्रजाति है दुनिया में, और इसमें मतलब टर्टल की 7 स्पीशीज है, उनमें से सबसे बड़ा ये है। अभी इसका हैबिटेट भी बहुत पूछते हैं। आपको याद होगा ये, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के, अगर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज का आपने एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि डॉल्फिन का हैबिटेट पूछा था, देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का भी हैबिटेट पूछा था, इरावडी डॉल्फिन का पूछा था, कुछ चंबल रिवर करके था। तो अब जायंट लेदर बैक टर्टल का क्या होता है हैबिटेट, हैबिटेट मतलब ये स्पीशीज़ कहाँ पर रहती है, कहाँ पर पाई जाती है मुख्यतः, तो वो है इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देन नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट MVA ऑफ द सब रीजनल बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ग्रुपिंग BBIN। एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो बांग्लादेश जो है, भूटान, इंडिया, नेपाल, सब नेबरिंग कंट्रीज है, सब एक दूसरे के आसपास है, तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक मीटिंग रखी गई थी। और इसमें पहले जो 2015 में क्या किया था कि उसने, ये चारों कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया था, मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल बिटवीन देम, इसको अलाउ करने के लिए बहुत, ये एग्रीमेंट था मोटर व्हीकल्स का, मतलब ट्रक्स वगैरह जो कुछ भी भारी सामान लेके कार्गो वगैरह सबको अलाउ करेगा इन 4 कंट्रीज में, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल को। लेकिन भूटान ने ऑलरेडी वो क्या करता, देन भूटान 2015 में तो 4 कंट्रीज ने मतलब एग्री कर दिया, लेकिन अभी कुछ थोड़े दिन पहले मतलब भूटान ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इससे साइन आउट करना है, हमें ये एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना, क्योंकि क्यों करे ऐसा, देखते हैं भूटान क्यों रिमेन मतलब बाहर रहना चाहता है, वाई भूटान हैज़ रिमेंड आउट। तो भूटान ने कहा है कि हमें अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें अपना फोकस करना है, और हमारी टॉप प्रायोरिटी यह है कि हमें, हमें एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है और हमें अपना हैप्पीनेस इंडेक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये BBIN, मतलब अभी तो भूटान नहीं है, BIN ही होगा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये एक
ऑपरेशनलाइजिंग द एमवीए बाय कंक्लूडिंग द पैसेंजर एंड कार्गो प्रोटोकॉल विल हेल्प, किसके लिए हेल्प करेगा? टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ ट्रेड इन बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज, और एक सब रीजनल कोऑपरेशन में भी मदद करेगा, तीन कंट्रीज के रिलेशंस को और बेहतर बनाएगा। ये एमवीए इसी के बारे में था, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि उसने इसको एक साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम एक कंसिडर किया और इसको एक सपोर्ट अपना बढ़ाया। और ये जो कस्टम्स एंड टैरिफ्स, ये जो रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव कंट्रीज और उनके बायलैटरल ट्रायलैटरल फोरम्स के द्वारा इसको वो फाइनलाइज कर देंगे। कस्टम्स एंड टैरिफ्स मतलब अगर इतना गुड्स और सर्विसेज ट्रेड इतना अगर यहाँ इस कंट्री से इस कंट्री में आता है तो इस पर कितना टैक्स लगेगा, वो सब फ्लो ऑफ गुड्स और गुड्स टू गुड्स मतलब जो वस्तु है उन पे डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में है आज और कल भी था, क्योंकि इतना पैंडेमिक चल रहा चालू था कोविड-19 का, 2-2.5 साल हो गए, और फिर ये यूक्रेन रशिया का क्राइसिस भी चल रहा था, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने सक्सेसफुली इसके प्राइसेस को कंट्रोल में रखना मतलब वो हासिल किया है, उन्होंने कंट्रोल किया है। हम एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग पूछ बोलेंगे कि क्रूड ऑयल मतलब ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्रूड ऑयल के हैं। ये एडिबल ऑयल मतलब खाने का ऑयल जो सनफ्लावर वगैरह ये सब मस्टर्ड इन सब चीज़ों से बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बहुत एडिबल ऑयल मतलब इस पर एमसीक्यू बन सकता है कि एडिबल ऑयल मतलब क्या। वो बोलेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिबल ऑयल। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर। तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल को मंगवाता है। देन इंडिया इज इम्पोर्ट्स अबाउट 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल नीड्स, लिविंग द कंट्रीज रिटेल प्राइसेस वल्नरेबल टू इंटरनेशनल प्रेशर्स। मतलब 60% से भी ज़्यादा अपने जो नीड्स है इंडिया की, जो इंटरनेशनल से मंगवाता है, इंटरनेशनल बाहर से कंट्रीज से मंगवाता है। तो ये कहाँ से मंगवाता है? इंडोनेशिया से मंगवाता है, देन मलेशिया इज़ देयर, देन सोया मलेशिया से सोया ऑयल, देन सॉरी सोया ऑयल फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, एंड सनफ्लावर ऑयल मेनली फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। अब आप देखेंगे कि सनफ्लावर ऑयल का शॉर्टेज चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस भी चल रहा है, और यूक्रेन ने तो अपना एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों को खाने में खाने के लिए नहीं है और हम आपको कहाँ से दें, इसलिए उन्होंने भी बैन कर दिया है। देन रशिया के तो ऑलरेडी बैन हो गए, क्योंकि अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन यूनियन ने भी उस पर सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस मतलब क्या? प्रतिबंध, कि इस कंट्री को एक आइसोलेट कर दो, इससे कोई कुछ नहीं खरीदेगा, इसकी मेंटेलिटी ठीक नहीं, इसको बोलते हैं सैंक्शंस। और कुछ सब कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज मिलकर ये करती है टू इसको कंट्रोल में, हद में रखने के लिए। देन प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एडिबल ऑयल क्या है? सोयाबीन है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, देन देर इज ग्राउंड नट इज देयर, सनफ्लावर है, सफ्लावर इज देयर, नाइजर इज देयर, ये सब प्राइमरी सोर्सेस है। और सेकेंडरी सोर्सेस क्या है एडिबल ऑयल के? पाम ऑयल है, कोकोनट है, राइस ब्रैन है, कॉटन सीड्स है, ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स है, ये सब प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना, क्योंकि हम वो कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज़ें ऐसे नहीं पूछते, बस एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ दैट। तो इस सब न्यूज़ में ये था कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर। ये सब ये चीज़ें सबसे ये सब मतलब इस चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था, 10 मार्च का आज का ये करंट अफेयर्स था। बस कुछ 14 मिनट में आपका पूरा करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएगा। बस बने रहिए कि हम डेली और डेली ही यूपीएससी का करंट अफेयर्स करना वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप मंथली करेंगे तो आप प्रेशर बना रहेगा, और आप एक मेंटेलिटी है कि अरे छोड़ दो ये सब मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते। तो इसके साथ एक डेली यूपीएससी का हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी आता है, वो भी आप ज़रूर देखिए इस चैनल का, वो भी बहुत बस 20 मिनट में आपका पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा। मुझे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम का वो भी खुद से मैंने कुछ कोई क्लास वगैरह नहीं लगाया था, फिर भी मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स अपना विदाउट कोचिंग क्रैक कर लिया, मेंस में बैठा हूँ, लेकिन देखते हैं अब मेंस का क्या हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेरी गुड डे।